नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले परीक्षाओं की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले वीडियोस को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी 11 वीडियो बना दिए हैं, तो उन वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट नंबर 12। और ये आपके आने वाले किसी भी NTPC ग्रुप डी, SSC GD, दिल्ली पुलिस या फिर स्टेट पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन के मैं जो ट्रिक बताता हूँ या फिर जो मैं मेथड बताता हूँ उसको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, और क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपका आंसर कितनी देर में आता है, और फिर जो मैं मेथड बताता हूँ उससे भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस से। इसमें बोला गया है कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपये में ख़रीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि एक सामान है जिसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वह कितना है, 1600 रुपया है, और किसी प्राइस पे बेचा होगा उसने, उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ 10% प्रॉफिट हुआ है, हम चाहें तो भी निकाल सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10% प्रॉफिट इसको हो रहा है, और अगर इसी सामान को वह 1840 में बेचता है, अगर इसी सामान को 1840 में बेच देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा वह पहले हम निकालेंगे। तो 1600 से 1840 में कितने का अंतर है, तो 1840 माइनस 1600 करेंगे 240 आएगा, और 240 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 240 बटे 1600 कर देंगे और यहाँ इंटू 100 कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे 16 एकम 16 और 16 5 80, यानी कि अगर इसको हम 1840 में बेचेंगे तो 15% का लाभ होगा। ठीक है, तो 15% का लाभ तो अभी सेकंड में बेचने पे हो रहा है और 10% का लाभ पहले हो रहा था, तो अंतर कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गया 5% का। ठीक है, यानी कि अगर उस सामान को 1840 में बेचा जाए तो 5% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर 5% हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछता कि ये वाला सेलिंग प्राइस यानी पहले वाला सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे कर लेते कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि +1/10, यानी कि 10 कॉस्ट प्राइस है, 11 सेलिंग प्राइस है, और 10 की वैल्यू दी गई है 1600, मतलब कि 160, तो यहाँ पे भी 160 से मल्टीप्लाई कर देते 671, 1760 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाता है ये वाला। ठीक है, पहला वाला, बाकी क्वेश्चन ने पूछा नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, तो जो मैं मेथड बताता हूँ उस मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, देखो कैसे करेंगे। तो अगर आप इसको 516 को 3.2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी लंबा टाइम जा सकता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि सारे नंबर अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है, चारों जो ऑप्शन है अलग अलग हैं, तो आप डेसिमल को हटा दो। ठीक है, सब सिंपल ये मान के चलो कि 516 × 32 दिया गया है, अरे बाद में हम तीन स्थान पर दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, पहले तो यह ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि दशमलव जो है यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, तीन स्थान पे है और यहाँ पे तो दो ही स्थान पर दशमलव दिया गया है, तो ये पहले ही कट जाएगा। ओके, और अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 516 × 30+2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 4 और 3 × 5 = 15, और यहाँ पे एक ज़ीरो लगा देंगे प्लस, अब फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 3 और 2 × 5 = 10। ठीक है, आप इसको प्लस कर देंगे, 2 × 8 = 11, 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6 और 1, और फिर क्या करेंगे,
तीन स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 1, 2, 3, ये आपका 16.512 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आसान सा सवाल था, लेकिन बस ये मेथड आपको अप्लाई करना है, ये ट्रिक है इस क्वेश्चन में, जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोला है इसमें। इसमें इसने पूछा है कि एक त्रिभुज है, इसका परिमाप दिया गया है। ठीक है, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर दिया गया है 200। ओके, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आपको पता होगा कि अगर एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है, अगर मान लो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसका जो पेरीमीटर यानी परिमाप होता है वह तीनों भुजाएं होती हैं उनके सम यानी कि योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि परिमाप पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो साइड बराबर हैं। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये ए इज इक्वल टू एक्स एंड सी इज इक्वल टू एक्स, और जो थर्ड साइड है वह बराबर वाली साइड से 20 अधिक है, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20। तो ये तीनों साइड हो गए। ठीक है, ये दोनों बराबर साइड और थर्ड वाली साइड जो है इससे 20 अधिक हो गई, तो इसका परिमाप निकालना है, तो तीनों का योग कर देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस 20, और इसका मान दिया हुआ है 200। ठीक है, तो इसको अगर आप सम करेंगे तो 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 200, तो 3x इज इक्वल टू 200 में से 20 घटेगा कितना होगा, 180। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 बटे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका नहीं आया, ये सिर्फ ये जो बराबर साइड है ना, इनका मतलब मान आया है कि 60 होगा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीसरी भुजा की लंबाई बतानी है, तो तीसरी भुजा ये बराबर वाली भुजाओं से कितना, 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो ये अगर 60 आ गया है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 20, मतलब कि 80 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि तीसरी भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है इसमें। इसने बोला है कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताइए, मतलब कि जो 12 के पहले 20 मल्टीपल हैं उनका आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तो 12 के पहले 20 गुणक क्या होंगे, तो 12 × 1 + 12, यानी कि ये प्लस मत रखो, 12 × 2, 12 × 3, ऐसे करके आपको 12 × 20 तक जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करके एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो इन सब का योग निकाल के बटे में 20 कर देंगे, तो वही हमारा एवरेज होगा। लेकिन अब इसको सॉल्व करना काफ़ी बड़ा टास्क है, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ आराम से कैसे होगा। देखो, सबसे पहले कि सब में क्या होगा, 12 × 1 12 × 2 होगा। ठीक है, तो सब में से 12 क्या करूँगा, 12 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 12 कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा, तो 1 + 2 + 3, ऐसे करके यहाँ ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 20 तक। ठीक है, प्लस 20 तक जाएगा। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि n नंबर्स होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके अगर n तक नंबर हैं तो उनका जो सम होता है, यानी योग जो होता है, वह होता है उसका फॉर्मूला n × n + 1/2। ठीक है, तो अगर इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, n × n + 1/2, n की वैल्यू क्या है, 20, जो लास्ट टर्म होता है ना, यानी कि जितने टर्म होते हैं वही n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, 20 हैं, 1 से 20 तक, तो 12 तो यहाँ रहेगा ही, 20 × 20 + 1, यानी n × n + 1 क्या हो जाएगा, 20 + 1 21 बटे के 2 हो जाएगा, तो ये पूरे टर्म का योग आ गया। ठीक है, और जब एवरेज निकालते हैं तो जितना ये पूरा टर्म है उतना बटे, यानी उन सबका योग बटे जितने टर्म है उतना लिख देते हैं, यहाँ टोटल कितने टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है, तो 20 है, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, 2 × 6 = 12, अब 6 × 21 बचा हुआ है, तो 6 × 6 = 12, 126 जो हो जाएगा आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ यहाँ 12 को बाहर ले लेना है और इसका सम जो है n
इंटू एन प्लस वन अपॉन टू वाले फॉर्मूला में रख करके निकाल लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सा सवाल था। तो ये थे हमारे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।